नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया तैयारी हो गई होगी। अभी काफ़ी दिनों से मैसेज नहीं आया कि इसका कहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो फ्रेंड्स कम से कम बता दिया करो कि किसका कौन सा कंपटीशन पास हुआ है। इतना मेहनत करके वीडियो आपके लिए हम लोग बनाते हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, वीडियो देखते ज़रूर हैं। वो रेशो नहीं है जो पिछले साल रेशो था। तो स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस एम फिल पी एच डी कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, अर्थात पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एम फिल और पी एच डी कोर्स प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो वह है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेरिस समिति यूके वाज सेटअप टू एडवाइज, पेरिस समिति यूके का गठन किसको सलाह देने के लिए हुआ था? तो वह हुआ था हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, औपचारिक संचार किस पर आधारित है? तो स्कॉलर चयन पर यह संचार आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय, ये पीछे दौड़ गया है, इसको देखते हैं फिर वापस लाने की कोशिश। क्वेश्चन 3 किए थे हम लोगों ने, अभी स्क्रीन भाग गई। पेरिस समिति कर चुके हैं। पेरिस समिति यूके का गठन किसके लिए हुआ था? तो यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी के लिए हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा, हम बात कर रहे थे किसका औपचारिक संचार किस पर आधारित है, तो यह हमारे स्कॉलर चयन पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वाज पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB मंथली, INB की आवधिकता क्या है? तो वह हमारी मासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इन इंडिया इन अ ईयर, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन काम करता? तो 362 दिन खुलता है हमारा नेशनल लाइब्रेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द कैनन ऑफ प्रीपोटेंसी, निम्नलिखित में से प्रबलता का उपसूत्र जो है किसके द्वारा संबंधित है? तो वह है हमारा कैटलॉगिंग या सूचीकरण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ जो स्थापित किया गया था वह 13 सितंबर 1933 को किया गया था। स्लिप या क्लिप, CILIP का पूरा नाम है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ISBN, ISBN का पूरा नाम तो आप लोग अच्छी तरीके से रटे हुए होंगे, तो इसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाई, अर्थात राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा स्थापित है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात संस्कृति विभाग के द्वारा भारत सरकार के यह स्थापित किया गया है या उसके अंडर वर्क करता है। विच इज द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो वह हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द डिक्शनरी इज द टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु? तो व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टरी अर्थात टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड ईयर बुक इंक्लूडिंग हु इज हु किस प्रकार की निर्देशिका है? तो यह सामान्य प्रकार की निर्देशिका है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग करती है? तो यह करती है हमारी SDI। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्राइमरी
पर्पज ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग इज टू सर्व एज लोकेटर टू द लोकेशन ऑफ ए मटीरियल। एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक खोजकर्ता के रूप में सेवा देना होता है। अगला क्वेश्चन, आरडीए इन लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू, अर्थात पुस्तकालय विज्ञान में आरडीए किससे संबंधित है? तो आरडीए हमारा संबंधित है कैटलॉगिंग या पुस्तक प्रसूचीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज AACR2 इज रिप्लेस्ड बाय। AACR2 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो यह रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के द्वारा किया गया है। डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा के बारे में डाटा को हम मेटा डाटा कहते हैं। सूल सॉफ्टवेयर फॉर द लाइब्रेरी वाज डिवाइज्ड बाय इंफिनिट, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी जो नामक सॉफ्टवेयर है जिसको शॉर्ट में हम सूल सॉफ्टवेयर कहते हैं, यह किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए बनाया गया है यूनिवर्सिटी के और किसके द्वारा बनाया गया है? इंफिनिट के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर जो है वो किसके द्वारा विकसित है? तो लिप्सिस कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय लिप्सिस कॉरपोरेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन ये था और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। कमेंट्स करते रहिए कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।